नमस्कार, प्राग एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। शराब माफियों के खिलाफ गश्त, क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने भरी हुंकार। ग्रामीणों ने भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों में आबकारी विभाग सहित जिला प्रशासन मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। जहां एक ओर देश के में नवरात्रि का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं नई गढ़ी थाना क्षेत्र में जगत जननी माँ अष्टभुजा धाम के समीप नवरात्रि महीने में नई शराब दुकान का खुलने का विरोध जोर शोर से चल रहा है। शासन प्रशासन की गाइडलाइन को शराब माफियों के द्वारा दरकिनारे करते हुए मॉडल स्कूल, कन्या छात्रावास, अष्टभुजी धाम मंदिर परिसर सहित तिहारे में शराब की दुकान खोलने, गश्त क्रांति मंच के आयोजन कुंज बिहारी तिवारी अपने साथियों सहित नई गढ़ी तहसील पहुंचकर नई गढ़ी तहसीलदार को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज किया और शराब दुकान बंद कराने की मांग की। गश्त क्रांति मंच के साथ नई गढ़ी के अभिव्यक्ता साथी भी उपस्थित रहे। कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि यहां पर शराब दुकान खुल जाने से घटनाओं में इजाफा होगा। पास में ही कन्या छात्रावास बना है, मॉडल स्कूल बनी है, ऐसे स्थान में नई शराब दुकान का खुलना दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हाल ही में राजनिवास के हुए दुष्कर्म मामले भी आग बुझी नहीं थी कि नई गढ़ी में कन्या छात्रावास के समीप शराब दुकान का खुलना किसी ऐसे ही घटना को आमद देने के कम नहीं है। अब देखना यह होगा कि रीवा जिला प्रशासन इस पर तत्काल संज्ञान लेकर शराब दुकान को हटाने की कार्यवाही करता है या फिर किसी नए कांड के होने का इंतजार करता है। गश्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर शराब दुकान को वहां से नहीं हटाया जाता है तो एक निर्णायक आंदोलन होगा जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की रिपोर्ट। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 आबकारी अमला मुर्दाबाद, 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 आबकारी अमला मुर्दाबाद, 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 शराब माफिया मुर्दाबाद, 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 शराब माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखे रहा सबके सूख के दम पे यहाँ पे शराब की दुकान खोली है। ऐसी जगह शराब की दुकान खोली है जहाँ सुबह 4 बजे से इस क्षेत्र की माता बहनें पैदल आती हैं माँ अष्टभुजा का दर्शन करने और इस चौराहे पे बैठ के बस और ऑटो का इंतजार करती हैं। पूर्व में भी कई तरह की यहाँ कन्याओं के साथ, लोगों के साथ, दर्शनार्थियों के साथ घटनाएं हो चुकी हैं। हम लोगों ने मांग की थी चौकी की कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी खोली जाए, लेकिन पुलिस चौकी न खोल के अपराध का एक बहुत बड़ा अड्डा। जब इस तरह की कोई घटना होती है तो आप देखते हैं कि नशे के कारण हुआ यहाँ, और मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं इस आंदोलन में सफल हूँ ना हूँ, लेकिन भविष्य में जो हमको दिख रहा है, उस वक्त जब यहाँ पे दुराचार होगा, लूट होगी, मर्डर होगा, युवाओं के साथ अत्याचार होगा, कन्या छात्रावास में दुराचार करने का प्रयास करेंगे, अगस्त क्रांति मंच के लोग संतुष्ट रहेंगे कि हमने शुरू से इस लड़ाई को लड़ा है। नई गढ़ी तहसीलदार को एक ज्ञापन देकर क्या प्रशासन को आप आगाज करना चाहते हैं, आगे क्या कदम? मैं कलेक्टर महोदय से भी कल बात किया था, SDM साहब ने कल मेरे से दूरभाष में बात की और बोले मैं तहसीलदार साहब को बोल रहा हूं। और जैसा कि तहसीलदार महोदय ने बोला है कि हमने कल वहां का पटवारी को भेज के उसका कि आपने इसमें अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि उसके बगल में जो नया भवन में जबकि जहाँ पे होना स्थापना उसका होना है, एक तो अष्टभुजा मंदिर है और मॉडल स्कूल है और छात्रावास भी है, तो जैसा भी शासन प्रशासन निर्णय लेगा वैसा होगा। कितनी दूरी पर है मॉडल स्कूल और मंदिर? अब ये तो उसके नियमावली में ही उल्लेख होगा, ये तो अपने को वो है नहीं, लेकिन नियमावली में उल्लेख होगा, आबकारी विभाग का होगा या कि फिर ये तहसीलदार अपने विशेष अधिकार का करते हुए कर सकते हैं। जिस प्रकार से आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं और एक विद्यालय और संस्था के इतने करीब शराब दुकान का होना, प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करेगा? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, फिर भी अपन आप कर रहे हैं तो हम बिल्कुल सहयोग प्रदान करेंगे। थैंक यू।